जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत केवलिया। जय हिंद आज इस वजह से की है क्योंकि अगर हम बात करें इतवार की, रविवार की, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप इतवार को, रविवार को अपने घर में रहने वाले हैं, लेकिन सरहदों पर जो हमारी और आपकी फिक्र करते हैं, हमारी और आपकी परवाह करते हैं, उनका क्या हाल है। हम आपको इस वीडियो में उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस से हमको दूर रखने के लिए वो मदद कर रहे हैं, कैसे अपनी जान को हथेली पर रखकर आपको सुरक्षित और आपको तमाम बीमारियों से दूर करने का काम कर रहे हैं। यूं तो अलग अलग देशों से दरअसल वो वीडियो भी निकल कर सामने आ रहे हैं जहां पर उनकी आर्मी भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का काम करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत उम्दा है। आर्मी जो यहाँ की 19 डुगरा है उनका, और आर्मी जो एयर फोर्सेस है जिन्होंने, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे SHO साहब जो है उनका, जिन्होंने हमें यहाँ बांदीपुरा से गुरेज से बांदीपुरा शिफ्ट करने में काफ़ी मदद की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय सेना ने इसमें पहल ली थी, यानी कि दे वर द पायनियर्स इन सेटिंग अप द फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी, और वो भी 72 घंटे में मानेसर में, जहां के आज की तारीख तक हमने लगभग 500 से ज्यादा क्वारंटाइन पेशेंट्स जो कि वुहान, तेहरान और जापान डायमंड प्रिंसेस और अन्य देशों से आए इवैक्यूज को ध्यान में रखा, उनके पूरी सेवा की। लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें इंडियन आर्मी किस तरीके से हमको, आपको और जो संक्रमित हैं विदेशों से आ रहे हैं उनको कैसे महफूज जगहों पर ले जा रही है। इसलिए ये पूरी वीडियो आज हमारी इंडियन आर्मी को समर्पित है, देश के जवानों को समर्पित है और हमारे उन शूरवीरों को समर्पित है जो सरहदों पर खुद डटकर, जहाँ पर खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है शाम को 5 बजे बाहर निकले। हम भी आप सब अपील करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और इंडियन आर्मी के जवानों के लिए, आप जरूर घरों से बाहर शाम को निकलें और उनके लिए थालियां बजाएं, जो भी समझ में आए वो बजाएं। इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, जिससे इंडियन आर्मी कितना मेहनत कर रही है, कितना परिश्रम कर रही है हमारे लिए, आपके लिए, वो उन तक भी जाना चाहिए कि देश के जो आवाम है वो उनकी कितनी इज्जत करती है। जय हिंद।